अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एडवर्ड मेहताबासी बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई कैसे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ओप्पो हैज जस्ट रिसेंटली रिवील्ड देयर फर्स्ट एवर फोल्डेबल डिवाइस, जो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं जो काफ़ी कमाल की हैं। एंड आई कैन से इट्स अ फर्स्ट प्रैक्टिकल फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च्ड बाय एनी कंपनी। और आज की वीडियो में हम इसकी फुल ऑन स्पेसिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं और इसके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड पुट द बेल आइकन ऐप, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल सके। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये फ़ोन मतलब ओप्पो का जो फर्स्ट एवर फोल्डेबल फ़ोन है फाइंड एन, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फ़ोन फ्रॉम अदर फोल्डेबल फ़ोन्स। एक तो पहली बात, ये ओप्पो का फर्स्ट एवर फोल्डेबल फ़ोन है। फिलहाल इट हैज़ जस्ट ओनली बीन रिलीज इन चाइना, लेकिन काफ़ी सारे रिव्यूअर्स को रिव्यू यूनिट गए हैं एंड दे हैव शोकेस्ड व्हाट दिस फ़ोन एक्चुअली इज एंड व्हाट इट कैन एक्चुअली डू। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल फोल्डेबल फोन होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी छोटा है। इसका आपको ऑब्वियसली दो डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, बाहर की तरफ 5.4 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले, अंदर की तरफ सिर्फ एक 7.1 इंचेस का डिस्प्ले है, जो कि एक 120 हर्ट्ज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर मैं कैमराज की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब अच्छे कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 13 का यहाँ पे आप लोगों को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलते हो, 12 का अल्ट्रा वाइड, यानी कि ट्रिपल कैमराज हैं जिन्हें आप ऐसा फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हो फोल्ड करके। इसमें जो एक फीचर जो ओप्पो ने क्लेम किया है कि काफ़ी मतलब बाकी से बेहतर, वो ये है कि जब आप फोन खोलते हो तो बिल्कुल क्रीज नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्रीज के, बेसिकली एक पेपर होता है, जब आप उसको फोल्ड कर देते हो और उसको फाड़ने लगते हो तो उस बीच में एक लाइन बन जाती है, उसको कहते हैं क्रीज। ओप्पो ने इसको इस टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि इसमें क्रीज नहीं आती, मतलब कि जब आप किसी फोल्ड फोन को ऐसे मतलब यूज़ कर भी देख रहे हो आपको बीच में पूरा गैप नजर आएंगे, पूरी लाइन नजर आएगी। लेकिन इसमें मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, जैसे आप इसको बंद करके यहाँ पे खोलोगे तो इसमें आपको किसी भी किस्म की लाइन देखने को नहीं मिलेगी। वेरी ग्रेट थिंग एक फोल्डेबल फोन के लिहाज से देखा जाए तो। और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, चिपसेट की यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है, और 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस हैं और काफ़ी मतलब एक अच्छा फ़ोन है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो मैं आपको मैंशन कर दूँगा, चाइना में इतनी प्राइस में लॉन्च हुआ है और प्राइस इन टर्म्स ऑफ लाइक फोल्डेबल फोन, लोग ज़्यादातर फोल्डेबल फोन की तरफ जाते नहीं है। लेकिन यह कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में, और अगर जिसमें पॉकेट में डाल देते हैं तो ये बहुत ही छोटा बन जाता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें हैं, वो ऐसा जैसे कि अगर आप कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर की तरह सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। वीडियोज़ टिकटॉक के देख रहे हो तो वो भी सॉफ्टवेयर में इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। हो सकता है ये एक अपडेट के बाद वो फिक्स कर दे, लेकिन ये इशूज़ हैं इस फोन के अंदर। बहरहाल ये फर्स्ट ट्राई थी, लेकिन फर्स्ट ही में काफ़ी अच्छा ओप्पो ने इस फोन को किया है, काफ़ी अच्छा बनाया। तो अभी तक भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, ग्लोबली भी लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। देखते हैं कब आता है और क्या होगा सारा कुछ। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।